वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोहम्मद करीम को पुलिस ने नागदा से गिरफ्तार किया है। तो रेप कांड में वीडियो वायरल जिसने किया है उस पर भी कार्रवाई होगी, ये कल ही पुलिस ने साफ कर दिया था। वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया गया और अब जिसने वीडियो वायरल किया वो आरोपी, उस तक पुलिस पहुंच चुकी है। नागदा से उसे पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। ने उस पूरे कृत्य की वीडियोग्राफी करी और उसको वायरल किया। उसका नाम मोहम्मद सलीम, पिता यासीन शाह, निवासी प्रकाश नगर नागदा, 43 साल का ये है, जिसका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है, इसको हमने गिरफ्तार किया है। इसके पास से इसका मोबाइल भी बरामद हुआ है जिसमें वो वीडियो हमने प्राप्त किया है। अभी हमारी साइबर की टीम इसका फोरेंसिक एनालिसिस कर रही है और जिन जिन लोगों को इसने ये वीडियो भेजा है अगर उसमें किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र है और इन्होंने अगर किसी विकृत मानसिकता या पूर्व प्लानिंग के तहत इसको किया है तो उन सभी के विरुद्ध उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें पृथक से धारा 72, 77, 294 BNS भारतीय न्याय संहिता IT एक्ट और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट की धारा 4 के तहत इसमें मामला दर्ज किया गया। अभी इससे और पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ हमारी जारी है। अजय पटवा हमारे सहयोगी उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरह से सीएम सिटी में ये वारदात हुई थी उसके बाद बहुत सक्रियता यहाँ पर पुलिस ने दिखाई है और उस आरोपी को पकड़ लिया है जिसने वीडियो वायरल किया था। जी देखिए, उज्जैन में जिस तरीके से महिला के साथ फुटपाथ पर शादी का झांसा देकर जो दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया था, उसी दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था महिला के बयान पर। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि जिसने इस वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, पुलिस लगातार उस आदमी की तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस ने स्मार्ट सिटी के कैमरे चेक किए और चेक करने पर पता चला कि नागदा से आने वाली बस में मोहम्मद सलीम नामक प्रकाश नगर का नागदा का रहने वाला था। वो बस से उज्जैन आया था और रोड क्रॉस करके जैसे ही वो आया था तो उसने ये पूरा कृत्य होते हुए देखा, लेकिन उसने कृत्य को रोकने की बजाय एवज में मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लेकिन पुलिस को स्मार्ट सिटी के कैमरों की मदद के कारण पता चला कि ये व्यक्ति नागदा का रहने वाला है और उसको पकड़ने में सफलता हासिल की है और पहले से ही इस पे कई मामले दर्ज हैं और आपराधिक रिकॉर्ड इस पर मामले दर्ज हैं। इसी के साथ जो पुलिस का साफ कहना है कि इस प्रकार की घटना में अब कोई भी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालेगा या उसको सेंड करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस ने इसको लेकर अब जो है आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है कि इसके खिलाफ और कहां कहां पर कितने मामले दर्ज हैं और ये वीडियो बनाकर इसने सोशल मीडिया पर जो वायरल किया था, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य और वायरल करने का उद्देश्य क्या था और कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं, इसकी भी पता की जा रही है और कितने लोगों को इस वीडियो को वायरल किया गया है। अब पुलिस जो है जल्दी इस पूरे मामले में एक और खुलासा करेगी कि आखिरकार इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं। लौटूंगी आपके पास, तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस आरोपी की जिसने उज्जैन में हुए इस दुष्कर्म कांड का पूरा वीडियो वायरल कर दिया था। 43 साल का ये आरोपी मोहम्मद सलीम नागदा का रहने वाला है, उज्जैन आया था, इसका आपराधिक बैकग्राउंड भी रहा है और अब पुलिस ये पता लगा रही है कहीं इसने जानबूझकर कोई इसके पीछे साजिश तो नहीं थी या जहां इसने आगे फॉरवर्ड किए हैं क्या प्लानिंग थी, क्या वजह थी, तमाम चीजों की अब गहनता से पुलिस जांच कर रही है और इस आरोपी को पकड़ लिया गया है जिसने उस दुष्कर्म कांड का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अजय पटवा, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए।